Good morning, and we are heading for Lahore, Wagah border. इस्लामाबाद का मौसम गर्म है, हब से देखते हैं लाहौर में क्या होगा। लाहौर का भी मौसम मजमू तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी का मौसम है और हब्ज़ है, अमूमन टेम्परेचर जो है 38-40 प्लस रहता है। कनेक्टिंग श्रीनगर हाईवे, पुराना नाम कश्मीर हाईवे, बहुत मारूफ मकबूल शाहरा है। आज इतवार है, मामूल से कम ट्रैफिक क्योंकि इतवार के दिन छुट्टी होती है, लोग घरों पे होते हैं। इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सुपर डुपर है कम्पेयर टू अदर सिटीज़ क्योंकि फेडरल कैपिटल है। मैं रिसेंटली जीबी से होकर आया हूँ, रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लाहौर। थोड़ी ही देर में हम मोटरवे कनेक्ट कर लेंगे, तो मोटरवे की अपनी एक शान है, तो बम्पी रोड नहीं है। लेकिन बाकी मानदा इलाकों में जहाँ इंटीरियर पंजाब है, इंटीरियर सिंध है, इंटीरियर बलोचिस्तान है और केपी के इंटीरियर के इलाका हैं, जहाँ पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इस मुल्क के अंदर रोड्स की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती है, वो मुल्क नहीं तरक्की करते, क्योंकि खाम माल जो दूर दराज के इलाके हैं वहीं से प्रोड्यूस होता है। जिस तरह से चकवाल का इलाका है, इस्लामाबाद से मुलहिका है, रावलपिंडी से मुलहिका है, रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर आता है। चकवाल हर तरह की मादनियात से मालामाल है, लेकिन चकवाल के अंदर भी सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी की होनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पर लाइमस्टोन है, कोयले की काने हैं और दीगर जो है मदनियात हैं, तो जो मुलहिका इलाके हैं बड़े शहरों से, उनकी कनेक्टिविटी के लिए इस तरह की सड़कें होनी चाहिए, इस तरह की का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये वो जंक्शन है, एक सड़क जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, दूसरा रास्ता पेशावर मोटरवे है, और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लाहौर मोटरवे M1। इस मोटरवे का बहरहाल क्रेडिट जो है नवाज शरीफ को दिया जाता है। GT रोड के बाद से कोई बड़ी सड़क नहीं थी जो कि इंटीरियर पंजाब को कनेक्ट कर सकती। मोटरवे पर पुलिस कवानीन, ट्रैफिक कवानीन बहुत सख्त हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होते हैं, हम देख रहे हैं। वैसे मजमू तौर पे कवानीन पाकिस्तान के अंदर इन प्लेस्ड हैं लोकल ट्रैफिक्स के हवाले से, जो शहरों के अंदर ट्रैफिक है और उसमें पेनल्टीज़ भी ठीक ठाक हैं, लेकिन मोटरवे पर जो पेनल्टी है वो बहुत हाई है, उसकी इन्फोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा है। जो इस सड़क पर सफ़र करते हैं वो एहतियात करते हैं और अपनी लेन के अंदर चलते हैं। अमूमन ये कि ओवर स्पीडिंग में इस सड़क पर भी हादसा होते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जान प्यारी है, एक ही मरतबा मिलती है हम सबको, और जब भी ड्राइव करें सेफली ड्राइव करें, और जल्दी पहुंचने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डालें। ये असद इकबाल भाई हैं हमारे ड्राइवर आज की ट्रिप के। इनका ये मानना है कि बलकसर के इलाके में एक बेहतरीन होटल है, नाम क्या है सर? चमन होटल। चमन होटल, भाई चमन होटल पे हम नाश्ता करेंगे, मज़े का नाश्ता करेंगे, बहुत ज़बरदस्त आलीशान नाश्ता इनके बकौल। अब देखते हैं नाश्ता कैसा होता है, तो हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। जी हम बलकसर कनेक्ट कर रहे हैं, हम इंटरचेंज से बाहर आ गए हैं, और ये रास्ता मियांवाली को जाता है, इंडस हाईवे कनेक्ट करता है। इसी रास्ते से हमने कराची का बड़ा सफ़र किया है एक ज़माने में, तो इस रास्ते की बड़ी यादें वाबस्ता है। ये चमन होटल है और बलकसर में, यहाँ हम नाश्ता करेंगे, देखते हैं नाश्ता कैसा है इनका। वैसे तारीफ़ें बड़ी की गई हैं। हम कलर का हार के साल्ट रेंज में दाखिल हो चुके हैं, और ये वो जगह है, ये वो सड़क है जो कि बड़े हद तक ख़तरनाक है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ ब्रेक फेल की वजह से हादसे का शिकार हो जाती है, और इधर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये जो पेच है, ये जो पट्टी है, काफ़ी मुश्किल पट्टी है। बलकसर में हमने एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया और वहाँ से निकले, तो अब कलरकार साल्ट रेंज की तरफ जा रहे हैं, और नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त था, शाही दाल, चाय, तंदूरी पराठा और देसी पराठा, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। असद साहब ने इसका इंतज़ाम किया था, तो ये साथ देखें सेफ्टी मेजर्स भी लिए गए हैं, गाड़ियाँ आहिस्ता चलाई जाती हैं। मजमू तौर पर जो हादसा मोटरवे पे हुए उसमें सबसे ज़्यादा हादसा इसी सड़क पर, इसी छोटी सी पट्टी के ऊपर होते रहे हैं। आप ये सामने देखेगा, ब्रेक फेल होने की सूरत में आप एक चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाएंगे और किसी हद तक अपनी गाड़ी को एक बड़े नुकसान से बचा सकते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे हैं। ZERO हेल्पलाइन, और अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, फ्यूल ख़त्म होता है या कोई मैकेनिकल फॉल्ट आता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है, तो 130 पर रब्ता कर सकते हैं। दोनों जानब लश ग्रीन एरिया, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, और ये बेसिकली एरिड एरिया है। यहाँ पर नहरी निज़ाम नहीं है बल्कि बारानी एरिया है, एरिड एरिया है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ फसलें काश की जाती हैं, खुसूसन मकई और गंदम बहुत मशहूर है यहाँ पर। अच्छा, ये इलाका मूँगफली के लिए बड़ा मशहूर है और यहाँ की मूँगफली बड़ी टेस्टी होती है। इस सड़क के ऊपर माल बरदार गाड़ियों का ट्रैक बिल्कुल अलहदा है और सीमेंटेड है। ये वो जगह है जहाँ पर एक बस का हादसा हुआ था और बड़ी तादाद में लोग जहाँ वाक हुए थे। इसके बाद से बैरा इंटरचेंज आएगा। बैरा इंटरचेंज पे अमूमन लोग जो लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं या पेशावर जाते हैं और पेशावर और इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ सफ़र करते हैं, तो लाजमन बैरा पे रुकते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े फूड आउटलेट्स हैं जहाँ पर खाना खाते हैं, लोग नाश्ता करते हैं। पीछे हम रिवर जहलम क्रॉस कर गए थे, अभी हम बढ़ रहे हैं मुल्तान इंटरचेंज की तरफ। हम लाहौर टोल प्लाजा के करीब पहुँचने वाले हैं। सेंटर हो गए हैं जी, एंट्री पॉइंट है। सुबह सवेरे गाड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ जा भी रही होती हैं, वहाँ से आ रही होती, फिर लोकल ट्रैफिक का बड़ा रश होता है। हम कनाल रोड से निशात होटल की तरफ जा रहे हैं। बाकी मानदा शहरों की नस्बत लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कदरे बेहतर है, लेकिन यह कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देने की ज़रूरत है। 600 meters, slide left onto Main Boulevard, Garden Town. ये बस हम निशात होटल पहुँचने वाले हैं। 600 meters at Zainab Asad Signature Salon. Continue onto Service Road. लाहौर और इस्लामाबाद की खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पर दरख्त होते हैं दोनों जानेब सड़कों के। 100 kilometers यानि 100 kilometers तवील इस कनाल का पानी अपर चिनाब से दाखिल होता है और ये बीआरबी बम्बान वाली रावी बिदियान कनाल के नाम से मशहूर है, और ये इंडियन सरहद से होते हुए ये दोनों ममालिक के सरहदों के बीच से गुजरती है। और ये नहर गर्मियों के मौसम में पानी में इजाफा होता है क्योंकि बारिशें होती हैं, तो पानी इस नहर में दाखिल होता है। ये साल भर पानी इस नहर के अंदर दस्तियाब होता है, गर्मियों के मौसम में पानी में इजाफा होता है, और ये नहर जाके दरिया सतलुज के किनारे गिरती है। और इस नहर की लंबाई 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन कैनाल है जो कि लाहौर शहर के बीचों बीच से गुजरती है। गर्मियों के मौसम में आसपास के लोग इस नहर के अंदर तैरते हैं, जा बजा में बच्चे इस नहर के अंदर तैरते हुए नज़र आते हैं। हम वाघा बॉर्डर की जानिब रवा दवा हैं, बड़े बड़े झंडे हमें नज़र आ रहे हैं। झंडा, और हम बिल्कुल वाघा बॉर्डर के ऊपर दाखिल हो रहे हैं। मेन वाघा की जो एंट्री है या जो कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, वो बिल्डिंग हमें सामने नज़र आ रही है, और ये पाकिस्तान का झंडा, बहुत बड़ा झंडा इस वक्त लहराया जा रहा है। और ये 14 अगस्त की तैयारियां, और ये कल 14th of August है, आज रिहर्सल चल रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग रिहर्सल देखने यहाँ पहुँचे हैं। मीडिया के लिए अलग इंतज़ाम किया हुआ है। आज 13 अगस्त है, 14th of August की तैयारी हो रही है। मीडिया कवरेज के लिए बड़ी तादाद में सेटेलाइट वेन्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और ये आज आखिरी दिन है कवरेज का। ये बाब आज़ादी का मेन गेट, आज पब्लिक के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर परेड पासिंग का जो टाइम है 6:20 के बाद ही शुरू होता है, और पाकिस्तानी दस्ते जो है बहुत ही जोश और जज्बे के साथ परचम उतारने की तकरीब में शिरकत करते हैं। दोनों तरफ से गेट खोले जाते हैं, उनकी तरफ से भी परचम उतारने की तकरीब होती है। दोनों जानिब के सिपाही आपस में हाथ मिलाते हैं और यूं परचम उतारने की तकरीब मुकम्मल हो जाती है।
ये परचम उतारने की तकरीब सुलेमान की और इसके अलावा गंडा सिंह पर भी होती है। 14 अगस्त के हवाले से बड़ी तल्ख और शीरें यादें वाबस्ता हैं इस बाब आज़ादी के हवाले से। 1947 में जब माइग्रेशन हो रही थी तो इसी ठीक इसी मुकाम के ऊपर ये बाउंड्री कमीशन यानी कि रेड क्लिफ कमीशन ने यहाँ पर ये बाउंड्री खींची थी और इसी मुकाम पर एक चौकी बनाई गई थी। इसी चौकी के ऊपर ये आरजी कैंप्स थे, उन आरजी कैंप्स से माजरीन का आना जाना था। कहा जाता है कि तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद अफराद इस माइग्रेशन में जहाँ भाग हुए और ये तारीख़ की सबसे बड़ी माइग्रेशन कहलाती है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है और यहाँ पर चाक और चौबंद दस्ते यहाँ पर मार्च पास करते हैं और पाकिस्तान रेंजर्स के, और साथ फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है यानी कि परचम उतारने की तकरीब होती है और दोनों जानब इंतहाई जोशीले मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं दोनों जानब और दूसरी जानब इंडिया के शायकीन हैं और ये फ्रंट पर रेंजर्स के कपड़े पहने हुए पाकिस्तानी बच्चे, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे, ये पाकिस्तानी शायकीन। मैं इस वक्त बाब आज़ादी गेट के बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद हूँ। दूसरी जानब जो है इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इस तरफ पाकिस्तान रेंजर्स, और आज 13 अगस्त है। कल जो है पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है तो बड़ी तादाद में लोग जोश व खरोश से यहाँ आए हुए हैं। दोनों जानब आप देख सकते हैं, मेरे पुश्त पे इंडियन साइड है और मेरे दूसरी जानब यानी कि यहाँ पर ये पाकिस्तानी साइड है। इस परेड की एक दिलचस्प बात यह है, बहुत ज़्यादा चौकस अंदाज से रेंजर्स परफॉर्म कर रही होती है। ये दुनिया का शायद वाइट बॉर्डर है जहाँ पर जोश व खरोश से फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी मनाई जाती है और अब आप देख सकते हैं पीछे दोनों जानब पाकिस्तान रेंजर्स के भी जवान मौजूद हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के साइड से भी लोग मौजूद हैं।